हे गाइज केम्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो मैं यहाँ पे दूसरा वीडियो शूट कर रही हूँ जो कि है हमारे नायका का जो पिंक फ्राइडे सेल चल रहा था उसमें से मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करी थी मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड ये पार्ट टू है पार्ट वन में मैं ऑलरेडी मेकअप की सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आप उसे चेकआउट कर लेना मैं आई बटन पर उसकी लिंक दे दूँगी या फिर ये वीडियो देखने के बाद आप चेकआउट कर लेना तो ये वाले वीडियो में आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मेरी बाकी रह गई थी स्किन केयर की हेयर केयर की वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज़ फर्स्ट वन इज़ ये वाला मैंने वाऊ का एलोवेरा जेल ऑर्डर किया है एंड ये बहुत ही अच्छा है एंड अभी वैसे भी विंटर चल रहे हैं तो किसी ना किसी चीज़ में हमें एलोवेरा जेल की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है तो डेफ़िनेटली मुझे ये ट्राई भी करना था तो मैंने ये वाला जो एलोवेरा जेल है उसे बाई किया है एंड ये बहुत अच्छा है आप डेफिनेटली इसे बाई कर सकते हैं और अगर आपको पतंजलि का अच्छा लगता है तो आप उसका बाय कर सकते हैं और सबसे बेस्ट तो वही है कि आप घर पे एक प्लांट बना लो आप उसी को यूज़ करो तो नेक्स्ट मैंने वाव का ये वाला उपटन बॉडी वॉश ऑर्डर किया है बिकॉज सबको पता है अभी विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स पे ना हमें अपनी बॉडी पे सोप यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए सो बॉडी वॉश ही यूज़ करना चाहिए एंड मैं यहाँ पे उपटन का ये वाला यूज़ करने वाली हूँ मैंने इसको इससे पहले भी मैंने ऑर्डर किया था मैं इससे पहले से यूज़ कर चुकी हूँ बहुत ही अच्छा है आपकी बॉडी को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है एंड अच्छी सी एक वाइब मिलती है मतलब बहुत ही फ्रेश फ़ील होता है एंड आपकी स्किन इवन भी होती है तो डेफ़िनेटली आप इसे ज़रूर ट्राई करना एंड पर्सनली मैं बताऊंगी कि अगर आपको सोप यूज़ करना है तो आप या तो डव का करो या तो आप ऐसा कोई बॉडी वॉश ले लो सो so नेक्स्ट मैंने बी ब्लेंड का ये वाला हेयर प्रोडक्शन स्प्रे ऑर्डर किया था बिकॉज मुझे ना अभी वीडियोज़ भी शूट करने होते हैं तो मैं अपने बालों में आइनिंग कर्ल सब कुछ करती रहती हूँ जिससे मेरे बाल ना मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं सो दैट्स वाई मैंने इसे ऑर्डर किया है सो so मैं कभी भी आइनिंग या कुछ भी करूँगी तो उससे पहले इसे ज़रूर स्प्रे करूँगी एंड मैं सबके साथ ना अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं आप मुझे कमेंट करके बताना मैं आपको आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर करूँगी सो so नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये वाला कर्ल मशीन मुझे कर्ल्स करने का बहुत शौक है लेकिन मेरा एक मशीन था जो ख़राब हो चुका था और अभी नायका पे सेल लगा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं मशीन एक ऑर्डर कर लेती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आता है मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया है अगर आपको कर्ल्स पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी इस मशीन का रिव्यू अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके दिखा सकते हैं मैं कल्स करके दिखाऊंगी इसका रिव्यू भी दूंगी एंड इससे पहले मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग का वीडियो बनाया था वो सबको बहुत अच्छा लगा है एंड अगर आपको कल्स वाला वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना मैं इस मशीन का एंड ये वाला हेयर प्रोटेक्शन जो स्प्रे है इसका एक वीडियो बना दूँगी अगर आपको देखना है तो एंड मैं पूरा आपको रिव्यू अच्छे से इसमें दे दूँगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट मैंने बायोटिक का ये पपया टेन रिमूवर स्क्रब लिया है जो कि बहुत अच्छा है हंड्रेड ये जो आयुर्वेदिक रेसिपी है तो मैंने इसे परचेस किया है एंड मैंने इसको एक दो बार यूज़ भी किया इतना अच्छे से मतलब स्किन में से डर्ट निकालता है बहुत अच्छे से स्क्रब करता है एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है अगर आप कोई अच्छा सा स्क्रब ढूंढ रहे हो ना तो डेफिनेटली आप ये वाला स्क्रब ज़रूर ट्राई करना बहुत ही अच्छा है और स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है ना कि आई कैन टेल यू सो ये से मेरा फेवरेट है तो डेफ़िनेटली आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बालों में हेयरफॉल बहुत हो रहे थे बिकॉज अभी मैं स्ट्रेटनिंग और वो सब बहुत ही ज़्यादा कर रही हूँ सो दैट्स इस वाई तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं बी ब्लंट के ये वाले शैम्पू एंड कंडीशनर हेयर हेयरफॉल को कंट्रोल करते हैं अगर आपको इसका अच्छे से रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना मैं आपको इसका पूरा अच्छे से वीडियो बना के रिव्यू दूँगी कि सच में ये वर्क करता है या नहीं तो मैंने इसको परचेस किया है मैं इसको यूज़ करके अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर इससे बनाऊँगी आप मुझे डेफिनेटली बता देना सो so, नेक्स्ट उसी के साथ मैंने बी ब्लंट का हेयर मास्क भी लिया है जो कि आपके फॉल को कंट्रोल करता है अगर आपको बहुत ज़्यादा फॉल हो रहे हैं तो मैं ज़रूर इस पर भी वीडियो बनाऊँगी एंड मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सो so नेक्स्ट मैंने पैक का ये वाला एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र जो कि वाटर बेल्स है वो मैंने ऑर्डर किया था मैं इसे बहुत बार देखा है ल्स में हर जगह पे सो इसमें आपको इस तरीके की स्पून छोटी सी मिल जाएगी आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं बट तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार ब्लास्ट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र इन ये वाला मॉइस्चराइज़र जो है वो अगर आप मेकअप डेली करते हो वैसे भी विंटर आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप अच्छा सा अगर मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हो तो डेफ़िनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं की पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है जस्ट लुक एट दस एंड मैं इसे यूज़ करूँगी तो मैं इसके रिव्यू भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी वैसे तो बहुत अच्छा ही है आप ले सकते हैं सो so गाइस उसके बाद मैंने बायोटिक का ये वाला आ, टोनर लिया है तो so, ये वाला जो कुकुम्बर का टोनर है बहुत 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 बहुत, बहुत अच्छा है डेफ़िनेटली आप इसे ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करना आपको खुद पता चल जाएगा कि यह क्यों अच्छा है तो अगर आप अच्छा सा टोनर ढूंढ रहे हैं तो डेफ़िनेटली इसे ज़रूर ट्राई करें तो नेक्स्ट मैंने परचेस किया था वाओ का ही ये वाला उबटन फेस एंड बॉडी पैक आप इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं इसमें भी आपको इस टाइप की छोटी सी स्पून मिल जाएगी एंड इस तरीके का ये आएगा एंड ये बहुत अच्छा है आप इसे एज अ पैक पूरी बॉडी पे या फेस पे यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट आपको ग्लो देता है एंड वाव के प्रोडक्ट्स हैं इसलिए कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वाओ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं सबको पता ही है एंड मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगता है एंड बहुत अच्छा रिज़ल्ट है तो डेफ़िनेटली आप अगर कोई अच्छा सा पैक ढूंढ रहे हैं तो वाओ का ये वाला उपटन आप जरूर ट्राई कीजिएगा या पूरी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ मैंने वाओ की और दो तीन चीज़ें ऑर्डर करी है ये वाओ के शैम्पू कंडीशनर है एंड ये जो है वो डीपली आपको हाइड्रेटिंग देते हैं आपके हेयर में एंड ये वाले जो शैम्पू कंडीशनर है इसमें राइस वाटर एंड लेवेंडर है जो कि आपके बालों में डीपली हाइड्रेटिंग आपके बालों को देते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा शैम्पू कंडीशनर है अगर आपको इस पर भी रिव्यू चाहिए तो मैं इस पर भी आपको रिव्यू दे दूँगी मैं वीडियोस बनाऊँगी आप देख लेना एंड ये बहुत ही अच्छे आते हैं आप डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको रिव्यू चाहिए तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी एंड इसके साथ साथ मैंने इसी का हेयर मास्क भी लिया हुआ है आप देख सकते हैं एंड ये भी कुछ इसी तरीके के फॉर्म में आता है इस तरीके के इस तरीके से ये आता है जिसमें आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाती है इस तरीके से और ये बहुत मैंने इसे एक बार यूज़ कर लिया है दैट्स वाई ये इस तरीके से मैंने एक बार इसे यूज़ कर लिया है तो बहुत अच्छा नरिशिंग करते हैं आपके बालों को ये आपके बालों को ना बहुत ही सॉफ्ट बनाता है लाइक आपके बालों में जान डाल देगा तो अगर आप अच्छा सा मास्क शैम्पू कंडीशनर ढूंढ रहे हो ना तो डेफिनेटली वाओ के शैम्पू कंडीशनर और हेयर मास्क आप ज़रूर एक बार ट्राई करना आप खुद बोलोगे कि बहुत अच्छा है सो या यही थी सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी ये वीडियो बहुत ही लेट हो गए हैं लेकिन डोंट वरी अगर आपने सेल मिस कर दिया है फिर भी मैंने आपको बताया है कि नायका पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चलता ही रहता है सेल जो है आते जाते रहते हैं डिस्काउंट भी चलते रहते हैं तो आप डेफिनेटली आपकी पसंद की चीज़ें जो हैं आपको लगे कि हाँ अभी बाय करने जैसा है तो आप हाँ, बाय तो कर सकते हैं एंड मैंने जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं बहुत अच्छी है आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक शोर sure आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक, तक के लिए टेक केयर बाय